हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी गुड लाइफ। कल गार्डन में ना इतना मतलब सब उल्ट पुल्ट हो गया था और सारी प्लांट्स नीचे गिरने लग रहे थे। यहाँ पर भी मैंने बहुत सारे पॉट्स रखे हुए थे, ये देखिए सारे मैंने ऊपर उठा के रखे थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो मैंने यहाँ पर रखे हुए थे और ये भी मैंने नीचे उतार के रख दी थी। ये तो अब मैंने नीचे मतलब ऊपर उठा के रखी है। कल हवा इतनी तेज चल रही थी कि सब नीचे उतार के रखे, सिर्फ उन को छोड़ दिया था मैंने और ये सारे उतार के रखे थे। और यहाँ से ये वाला भी पॉट्स गिर गया था और ये वाला भी गिर गया था, पत्थर चट्टा वाला। और ये तो मैं अंदर करके चली गई थी थोड़ा सा। और यहाँ के ये सारे मेरे सिंगोनियम के सारे पलट पलट के मतलब नीचे हो गए थे, सारे झुक गए थे, ऐसे लग गए थे जैसे ये सारे मतलब मर रहे हैं, इस तरह से हो गया था कल इतनी मतलब। और ये देखिए, ये आपने देखा होगा, मैंने आपके सामने ही ये सब प्लांट्स लगाए थे इसमें। और हवा से ये देखिए कितने मतलब सारे ऐसे बेकार बेकार हो गए, देख सकते हैं। लग रहा है कि मैंने अभी लगाए, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिन से इनको पानी नहीं दिया है, पता नहीं कितना टूट गया है देखिए। और ये स्पाइडर प्लांट वो वाला, ये वाला देखिए स्पाइडर प्लांट कितना मतलब खराब सा दिख रहा है, दिख रहा है आपको, पत्ती टूट भी गई है देखिए, यहाँ से टूट गई है, ये मुड़ गई है, इधर से कट गई है, तभी तो मुड़ रही नहीं है। ये देखिए ऐसे कट गई है तो ये मुड़ रही है ना, सारी कट गई है, बीच बीच में सभी गिर रही है ये। और ये वाला तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन ठीक इतना ठीक नहीं है, फिर भी चलो थोड़ा सा ठीक है। और ये इधर देखिए सारे मतलब गिर गए थे, मैंने देखी डंडी लगाई है इसके ऊपर, ये सिंगोनियम के सारे नीचे गिर गए थे, ऐसे लेट गए थे, पॉट नहीं गिरे थे लेकिन प्लांट सारे झुक गए थे, पता नहीं कितनी तेज हवा चल रही थी। और ये वाला स्पाइडर देखिए कैसे लटक सा रहा है, इसके में भी हवा लगी है, मतलब बहुत तेज हवा चल रही थी, पूरे दिन हवा चली है और इतने सारे पॉट्स मेरे गिर गए थे, पूरा बिखरा पड़ा था। कल शाम को जब मैं अपने गार्डन में आई, 5:30 या 6:45 करीब आई थी मैं, देखो तो सारी बास्केट पलटी पड़ी थी, सारी नीचे गिरी हुई थी, जितने मेरे ये पॉट्स रखे थे इनके ऊपर गिर गई थी। और कल तो मैंने सब हटाई है, ये देखी ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, ये भी खराब हो गई है, पत्ती इसकी बिल्कुल टूट गई थी, वो मैंने अभी कट करके रखी है। और ये वाली बास्केट देखिए पूरी भरी दिख रही थी आपको, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, देखिए पूरी मतलब भरी हुई थी ये बास्केट, यहाँ से सारी मैंने कटिंग्स इसकी टूट गई थी, बहुत ज़्यादा कटिंग्स मैंने निकाल निकाल के रख दी है। और ये देखिए बहुत ख़राब हालत हो गई थी, अब ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बास्केट नीचे गिरेगी यहाँ पर तो क्या हाल होगा, सारी पलट गई थी ये। और रात को ही मैंने लगाया इनको और मैंने सेट तो अभी की है ये आके, क्योंकि रात को इनको रखना अच्छा नहीं था, क्योंकि आंधी आ रही थी, मतलब आंधी नहीं बहुत तेज हवा चल रही थी, आंधी ही बोल लीजिए उसको, वो पूरी रात बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है कल तो। और अभी देखिए रात को मैं शाम को ही मैंने इनको लगा दिया, तो देखिए फ्लावर खिल रहे हैं, अगर मैं इसको सुबह आके लगाती तो फिर ये जो फ्लावरिंग मुझे देखने को मिल रही है ये बिल्कुल नहीं दिखती। और गजानिया पे देखिए कितना अच्छा फ्लावर आया हुआ है इस पर। और ये शुक्र है ये वाला थोड़ा सा बच गया, गिर तो ये भी गया था, मतलब पूरी बास्केट गिर गई थी लेकिन बच गया ये वाला प्लांट, पत्तियां तो कई इसकी टूट गई थी। तो इतना सारा मेरा कल नुकसान हो गया था, मतलब दिल इतना दुख रहा था। और ये देखिए इसके ऊपर तो पूरी बास्केट पलट गई थी, ये देखिए ये छोटे छोटे सीड से आ गए थे लेकिन बास्केट जब गिरी तो ये सारे टूट गए, ये देखिए इनमें मतलब छोटे छोटे से प्लांट निकलने लग गए थे लेकिन जब बास्केट इसके ऊपर गिरी तो ये भी टूट गया पूरा। देखिए जब मैंने लगाया तो सही था, ये ऐसे था पूरा कि इसके अंदर मिट्टी नहीं निकलेगी बाहर, अब ये देखिए गिरने से सारा टूट गया ये। और बेबी प्लांट जो थे मैंने सीड्स लगाए थे वो थोड़े से बेबी प्लांट निकलने लग गए थे और अब फिर इनमें बास्केट गिर के ना पूरी टूट गई। और जी मेरा बाउल रखा था यहाँ पे कांच वाला, आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, वो भी टूट गया, वो हटा के मैंने डस्टबिन में डाल दिया। और सारे मैंने अभी तो थोड़ा सा ठीक किया है मैंने, क्योंकि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा था, इतना बुरा हो रहा था गार्डन जब अभी तो सेट ही कर रही थी धीरे धीरे। और ये देखिए पिटूनिया की, देखिए शक्ल देखिए आप पिटूनिया की, कितनी बुरी हालत हो रही है देखिए, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी इसके ऊपर और अभी आप शक्ल देख सकते हैं, पिटूनिया प्लांट के पूरा भरे पड़े थे ये वाइट वाले, मतलब ऐसे भरे पड़े थे, गुच्छों में फ्लावरिंग हो रही थी इसके ऊपर और ऐसे सूख गए मुरझा गए। तो बारिश आई थी, पानी तो खैर अपने आप ही इनमें डल गया क्योंकि बारिश आई थी ना, उससे पानी डल गया इनमें, लेकिन प्लांट की हालत ख़राब हो गई और सारी ये बोतलें नीचे गिरी पड़ी थी। ये तो मैंने अभी लगाई है, आने के बाद देखिए क्या हालत हो गई है इनकी,
सब गिर गई थी, ये भी सब गिर गए थे, सब गिर गए थे नीचे। और ये भी मोर वाली बास्केट जो है ये प्लांट गिरा पड़ा था और ऊपर से नहीं गिरी, बास्केट तो खैर नहीं गिरी ऊपर से, लेकिन ये वाला गिर गया था मेरा, बच गया, टूटा नहीं है। लेकिन इसकी देखिए आपको दिख रही है, मैंने वीडियो डाली तब कैसा दिख रहा था, ये कितना अच्छा दिख रहा था। और हवा से ऐसे सारे बेकार हो गए हैं। और ये सीड्स तो मैं छुपो के रख के चली गई थी, वहाँ पीछे चली गई थी, तो ये बच गए हैं। और इनमें अभी थोड़े से सब में प्लांट्स निकल आए हैं, ये देखिए छोटे छोटे बेबी प्लांट सब के अंदर निकल गए हैं। अगर ये यहाँ पे दीवार के साथ रखती हूँ, वैसे तो मैं अगर दीवार के साथ रखे होते तो सब ये सत्यानाश हो चुका होता अभी तक तो, लेकिन बचे हुए हैं। ये देखिए सब में मतलब सीड्स ग्रो होने लग गए हैं सही से, तो ये बचे हुए हैं बस मेरे। अगर ये भी खराब हो जाते तो मेरा बस तो ना ऐसा लगता है कि सब कुछ उजड़ गया है। और ये भी ऐसे ही हो गया, वो वाला प्लांट भी गिर गया था, देखिए टूट भी गया है, मुझे तो ये लग रहा है। ये देखिए इसको, ये देखिए कितना बड़ा ये प्लांट टूट गया है, दिख रहा है यहाँ से टूटा हुआ है ये। ये देखिए, ये तो मैंने देखा ही नहीं है, अभी अभी देखा है, देख सकते कितना बुरा ये बड़ा ये प्लांट टूट गया। ये तो मैं लगा लूँगी चलो, लेकिन जब ग्रोथ हो जाती है प्लांट की फिर टूट जाता ना तो इतना दुख होता है बहुत ज़्यादा। और ये देखिए कितना बड़ा ये टूट गया है, अभी मैं लगा दूंगी इसको, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करूंगी, ऐसे तो फेंकूंगी नहीं। तो इतना गार्डन में नुकसान हो गया क्योंकि कल दिल्ली में बारिश भी आई है पूरी रात, आंधी तो चली चली है लेकिन बारिश भी आई है। और कुछ मन नहीं है अभी, बस यही बताना था मुझे, मेरा गार्डन का बुरा हाल फिर से हो गया है। एक बार ठीक करने की कोशिश होती है, मतलब अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर मैं दोबारा से ख़राब हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। अभी तो कुछ आपको भी दिख रहा होगा कितना फ़र्क हो गया मेरा गार्डन में, देखिए सब बेकार बेकार से हो गए। अभी सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा पर कोई बात नहीं, मैं सेट कर लूँगी और हो जाएगा, अपने आप सेट हो जाएगा धीरे धीरे। ये प्लांट्स हमारी जान है, और यही जब हम ख़राब हो जाते हैं, प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं तो मन इतना दुखता है, बहुत ज़्यादा दुखता है। और मेरी जितनी भी बास्केट सब में फ्लावरिंग हो रही थी, अभी भी आप देख सकते हैं सब के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। रात को तो बिल्कुल तहस नहस हो गया था, शाम को, सॉरी रात को नहीं शाम को, और ये तो मैंने शाम को ही लगा दिया था तब ये फ्लावरिंग अभी तक हो रही है, नहीं तो ये सब उजड़ चुके थे बिल्कुल। खुशी को बुलाया मैंने जल्दी से, तब उसने मेरी हेल्प करवाई, तब ये काम हुआ मेरा। तो चलिए फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।